उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में कई तरह की खामियां उजागर हुई हैं। सिलसिले में मंडल अध्यक्ष ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं। ये मामला जिले की संडीला तहसील के गांव मीतो का है। इस गांव में जिलाधिकारी ने 3 वर्ष में कराए गए काम और निर्माण की जाँच कराने के आदेश दिए। उसके बाद भी ग्राम प्रधान ने रातों रात इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू करवा दिया। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस की सहायता से काम रुकवा दिया और इस मामले में मंडल अध्यक्ष ने प्रधान पर कार्रवाई की अपील की है। मामला 70 लाख रुपए की हेराफेरी का है। मंडल अध्यक्ष का कहना है कि ग्राम प्रधान ने अपने और अपने रिश्तेदारों के खाते में 15वें वित्त आयोग की राशि ट्रांसफर कराई थी। मनरेगा में गड़बड़ी पाई गई, हैंडपंपों की फिर से बोरिंग और मरम्मत कराए बगैर ही राशि निकाल ली गई। भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं श्री पंकज अवस्थी जी, इनकी शिकायत आई थी यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा या ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए उनमें कुछ भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत आई थी। ये शिकायत उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी दी थी और उनके स्तर से भी एक टीम गठित की गई है जिसमें टीम के मेंबर्स एक दिन जांच करने गए थे और इनके द्वारा मनरेगा में जो भी कार्य कराए गए हैं उन कार्यों को मौके पर सत्यापन किया गया है। उसमें कतिपय कार्यों में जो निर्धारित प्राविधान या प्राकलन जो बना हुआ था एस्टीमेट के आधार पर और जो कार्य होना चाहिए था उसके अनुरूप प्रथम दृष्टया कार्य नहीं पाया गया है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद भी जो भी रिपोर्ट होगी रिपोर्ट बना करके उसकी जिलाधिकारी को प्रेषित।